गुड मॉर्निंग यूट्यूब। यू नो एक कहावत है, अगर आपने किसी चीज़ के पैसे दिए हैं तो उसको अच्छे से यूज़ करो। तो आपने अपने पूरे इंजन के पैसे दिए हैं, पूरी बाइक के, पूरे टैकोमीटर के पैसे दिए हैं, तो उसको पूरी तरह से यूज़ करो। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर स्प्लेंडर है तो आपको उसको लो आरपीएम पे चलाओ, आरपीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है जी, आपके पास स्प्लेंडर हो, चाहे पल्सर हो, चाहे आपके पास कावासाकी निंजा हो, कोई भी हो। ये रूल सारी बाइक्स पे अप्लाई होता है, जितनी भी इंटरनल कंबशन वाली बाइक्स हैं। तो देखते हैं क्यों। कम गियर और हाई आरपीएम तो बाइक चलाओगे तो माइलेज कम देगी बाइक। हाँ, दिस इज ट्रू, बट एक माइलेज को छोड़कर बहुत सारे फायदे हैं तुम्हारी बाइक के लिए, बहुत ज़्यादा फायदे हैं तुम्हारे इंजन के लिए, बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और आपकी राइडिंग के लिए, आपकी राइडिंग स्टाइल के लिए, सब चीज़ के लिए फायदेमंद है हाई आरपीएम पे बाइक चलाना, बाइक यूज़ करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल वाला सीन। आई होप आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब टायर अपना ग्रिप छोड़ देता है रियर वाला बिकॉज ऑफ स्पीड, तो फिर आपका फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में डिफरेंस हो जाता है स्पीड में, क्योंकि फ्रंट व्हील स्लो है और रियर व्हील फास्ट है। ये चीज़ ECU डिटेक्ट कर लेता है कि दोनों व्हील्स की स्पीड में फ़र्क है, तो ECU क्या करेगा कि इंजन की पावर कट कर देगा। ऐसे क्या होती है, आपकी बाइक फिसलेगी नहीं ज़्यादा एक्सीलेटर से, ये काम करता है TCS। ट्रैक्शन कंट्रोल का हमारे RPM से क्या कनेक्शन है, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब आप अपनी बाइक चला रहे हो तो मान लो आपकी ग्रिप लूज हो गई टायर की रोड से, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करेगा, पावर कट करेगा। और जब आप पहले ही 2,500 RPM पे हो तो उसकी वो कितनी पावर कट करेगा, ऐसे तो इंजन बंद हो जाएगा। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल उस केस में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और अगर आप अपने 6,000-7,000 RPM पे, तब मान लो आपने ग्रिप लूज करी तो ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन करेगा, उसमें मान लो कुछ बीच बीच में पावर कट करेगा, तो उससे फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बाइक को और आपकी राइडिंग को। उसको इनफ RPM मिल रहा है, काफ़ी टाइम मिल रहा है इंजन को वो चीज़ मैनेज करने का। तो TCS और RPM का ये डायरेक्ट कनेक्शन है। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, अब वैसे ही आप देख लो, मैं मान लो फर्स्ट गियर में हूँ, तो अब मैं यहाँ से एक्सीलेटर दूंगा, तुरंत बाइक भागने को करेगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे, अब मैं चौथा कर दूँ, अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, बाइक आराम से उठ रही है, बल्कि ये पावरफुल बाइक है इसलिए उठ रही है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको पावर इंस्टेंट मिलती है, बाइक एकदम बढ़िया तरीके से भागती है, आप मतलब कट वट का ये सब चीज़ों का इस तरह से मज़ा ले सकते हो। क्यों, हाई RPM पे बाइक है और गियर आपकी लो है, तो एकदम आपको परफॉर्मेंस लगेगा। मतलब लो बाइक होगी उसमें भी आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई बढ़िया भाग रही है। आप गियर वाली साइकिल ले लो, आप ज़्यादा गियर डालो तो फिर आप उसमें आपको बहुत ताकत लगाओगे तो अपनी साइकिल आगे बढ़ेगी, और आप उसका लो गियर कर दोगे तो वो साइकिल आराम से जल्दी जल्दी मारने पड़ेंगे पैडल, लेकिन वही साइकिल फिर बहुत इजीली बहुत हल्के पैडल चलेंगे। तो वैसे ही बाइक का है, अगर हाई RPM पे लो गियर पे आप चला रहे हो तो इंजन को बहुत कम काम करना पड़ेगा और बहुत इंजन आसानी से चलेगा, और आप लो RPM पे ज़्यादा गियर पे आप एक्सीलेटर दोगे तो इंजन को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी बाइक को आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक तरह से आपके इंजन पे वियर एंड टियर ज़्यादा हो रहा है इस तरह से। एक और बात, अगर आप लो RPM पे चलाओगे तो आपकी बाइक का टेम्परेचर भी कम ही रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो जब पावर वाले स्ट्रोक होता है, तो जब ब्लास्ट होता है ये पेट्रोल और एयर का, तब थोड़ा बहुत पेट्रोल उसमें रह जाता है, पूरी तरीके से वो नहीं जल पाता। तो जो नहीं जलेगा तो वो क्या करेगा, आपकी पिस्टन पे असर करेगा, पिस्टन पे ब्लैक स्पॉट भेज देगा। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दो तरीके की पिस्टन, जिसमें एक हाई RPM पे चली हुई है, एक लो RPM पे। लो RPM वाले देखो कितने हॉट स्पॉट बने हुए हैं कार्बन के, पिस्टन पे ये जमा होता रहेगा कार्बन, पिस्टन जल्दी वियर एंड टियर होगा। और एक हाई RPM पे जब वो कार्बन 200-250-300 डिग्री जब इंजन का टेम्परेचर पहुंचता है, तो वो कार्बन धीरे धीरे छूटने लग जाता है, छूटने लगेगा तो वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट के सहारे अपना निकल जाएगा पूरा कार्बन, और आपकी पिस्टन एकदम क्लियर हो जाएगी। ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है, इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। आपका पूरा इंजन ब्लॉक एकदम मस्त क्लीन हो जाएगा, इस तरह से इंजन भी हेल्दी रहता है, कार्बन आपका जमता नहीं, पिस्टन भी एकदम नंबर बढ़िया रहता है। ओह माय गॉड, इट्स अ नाइस क्लीनिंग, वाह।
और जब आप लो आरपीएम पे उसको चला रहे हो तो जब मान लो आपका इंजन वैसे तो ठीक काम कर रहा है, जैसे ही उसने लैग किया थोड़ी सी कम स्पीड हुई और मान लो पहले ही इग्निशन मतलब पहले ही ब्लास्ट वो हो गया, समझ लो आपकी पिस्टन पे बहुत बुरा फर्क पड़ेगा और आपके बाल तो बेकार बहुत जल्दी हो जाएंगे, जैसे होते हैं ना बाल पे कार्बन जम जाती है ऐसी, क्योंकि जो प्रेशर बन रहा है आप हाई आरपीएम पे नहीं हो तो उस प्रेशर को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, तो वहीं पे ब्लास्ट होके वहीं आपके सारी चीजों को वो खराब करेगा। और जब आप हाई आरपीएम पे चलाओगे तो उस प्रेशर को जो ब्लास्ट हो रहा है उसमें जो एग्जॉस्ट है उन सबको एक काफी टाइम मिलेगा जल्दी जल्दी निकलने के लिए, तो आपका बढ़िया स्मूथ चलेगा। तो ओवरऑल हमारी समरी ये रही, इससे आप सारी चीजें फिट एंड फिनिश रहती है, इंजन टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और कंबशन पिस्टन और आपकी कंट्रोलिंग पावर सब कुछ बेटर रहेगा आप हाई आरपीएम पे चलाओगे तो। और मजा भी एक अलग चीज होती है, ये सब मजा आता है। तो इस चीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, आपका माइलेज कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा इंजन हाई आरपीएम पे चल रहा है तो आपका माइलेज कम होगा, लेकिन आई डोंट थिंक माइलेज इतना मैटर करता है अगर आपको मजा लेना है, अपनी बाइक हेल्दी रखनी है। तो रिमेम्बर, इंजन खुश है हाई आरपीएम पर, मेटल भी खुश रहता है हाई आरपीएम पर, आप भी खुश रहोगे हाई आरपीएम पर, और आपने पूरे पैसे दिए आरपीएम के, पूरे इंजन के पैसे दिए भाई, तो यूज करो पूरा इंजन पूरे आरपीएम, जैसे कि हमारे एक फेवरेट यूट्यूबर 49 भाई साहब ने कहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो दोस्त आपको बोलते हैं कि जो आराम आराम से चलाओ लो गियर पे एवरेज अच्छा आएगा, उसको ये वीडियो शेयर करो, वो जानेगा कि हाई आरपीएम पे चलाने के फायदे क्या होते हैं। आप अपने दोस्तों को भी डिस्कस किया करो, ये मज़ा आता है ऐसी बातें डिस्कस करने में बाइक के बारे में। कर दो जी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वीडियो, कमेंट कर दो अगर आपको किसी और टॉपिक के कई टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना है। टेक केयर, गुड बाय।